Será comincia all'esamiale sul gete. Con facchi vivo, Natan Samme, salino, in nati vivo niampo Natan, rate rus niampo giugna, se ne mi duccia o a chi ammet, mi tocce se a chi ammet, se ne Natan, Natan Samma, manna yang sua se nati piace cenale. दिन दक्षा नतां इसकात मतां मा तेरे नाम साल से रिंगर का मैं स्कूल मा देखा नतां संमा जंते सोचे सु मा है पास चुरा ते इन तुलसा रेडिया नतां उद्यल तंता ये नाम को साडो की यहाँ वालामु जिया तुगा मा यहाँ वालामु आसुकान गुन रिंचा ना यहाँ मा मर रिंचा जी गोसर ना ते तेरे ना गोसे नक्षा नतां खुर गोसा नो ते दिया न्यूज़ दिलं पची नम नम ओसना ना सोखा था सकता चांसी लक्षण ना गोला दुख बोझना दुखे से पिया डरी किन के अपनी कहीं मसत ना इच्छेस मसत जीवो ये जन ने चांसी को तेरे रामी ले पिया की जब बोझना बच्चे से पिया डरी किन यं पेशो हुआ डरी के उसका ने मिल गोला मां के जब बोझना यामन जिंदगी नॉन पहचानो इसका दिन रंग थोड़े रंग मिशा मस्ती मिट बा मती तोन मुन्तम तनला डुबानो तेरी चेसो अता जलरत ने फाला जिक्सिंग चोते नो यंग जलरत सोमा अता जंते जिनो ने जातुना लते दिया चिरक्ती से थगरीये लंपा पास चो भोजना तेरे ग्योक्सो असंभाव के से युवा मापुर रिमो चो से फंचेज मिजुक तुक लगों से सुजुने हम ते ने आता है तेरा न्याना कम दो ही नाम आता हूँ पहली जुगोस ताने ते ने लदाख से नाम आता है लदाख से युल्मी गुनला सुचाम में मोलाजत मिंडा जिप जिप सालसाल मोलाजत आता है लदाख में फिलो है ग्यावले उसका ने उच्चों गुनला लोंजिक सालना ते वो माँ का चंचा डोसा मरते मने अति कप्पो फिलोगा लिप्चेस में नोगाले इन्ना ते वो ये शितलन मोदी सुंदर ला अति से में नीसम दुगनाल गुन शादे संगो माँ अता यंग से चिक भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय अब मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज लद्दाख के हजारों लोगों के साथ मिलकर लद्दाख की मन की व्यथा मन की बात आपको सुनाना चाहूंगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक छोटे प्रदेश जहाँ लाख डेढ़ लाख तो लेह में और लाख डेढ़ लाख ही कारगिल में है उसमें से 20-30 हजार लोग यहाँ पर मिलकर आपसे एक गुहार लगा रहे हैं आपसे एक मन की बात सुना रहे हैं तो वो हम आपके साथ मिलकर सुनाएंगे। कैसा है आप लोगों की मंशा और आपकी अनुमति लेके मैं प्रधानमंत्री जी को ये कुछ मन की बातें सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले तो लद्दाख के लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं और रहेंगे कि आपने आपकी सरकार ने आज से 4 साल पहले लद्दाख की सालों दशकों पुरानी मांग पूरी की उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे। और उसके बाद क्योंकि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूं तो मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं जो आपने सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में भी एक रास्ता दिखाया भारत के आदर्शों का सादगी भरे जीवन का मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जिस पे भी मैं सालों से बोलता आया हूं आपने इसे दुनिया तक पहुंचाया कि जब तक देश के दुनिया के लोग सादा जीवन नहीं बिताएंगे ये जो दुनिया का पर्यावरण है वो उसे सह नहीं पाएगा। इसके हम सब आभारी हैं हम आपका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए और हम इसके लिए आभारी हैं कि जब आपने लद्दाख को यूटी घोषित किया
तो इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहाँ पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपके सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं दो बार हमें ये आश्वासन इलेक्शन में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, 2, 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में। और फिर 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ पर्वतीय काउंसिल का, हिल काउंसिल का, तो फिर पहले नंबर पर इस मैनिफेस्टो में यही बूंद, यही मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने हमारे साथ वादे किए, आश्वासन दिए, इन सब का हम फिर धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि देर हुई है 3-4 सालों का, मगर अंधेर नहीं है, हमारा ये यकीन है। तो हमारा यकीन ये है कि जब आपने ये आश्वासन दिए तो आप इसे देर सवेर पूरा जरूर करेंगे, मगर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन घोषणाओं के बाद एक सन्नाटा सा छा गया कुछ महीनों के लिए, फिर 1 साल के लिए फिर नकारात्मक संकेत मिलने लगे कि ये नहीं मिलने वाला है। फिर यहाँ ले में तो जो 6th शेड्यूल शब्द को उच्चारण करे उन पर जातियां होने लगे, बच्चों को पकड़ा जाने लगा, और हमने सोचा कि शायद जिन नेताओं पर हमारा इतना भरोसा था वो नहीं रहा। फिलहाल के महीनों में हमें ये पता चला कि ऐसा भी नहीं है। केंद्र सरकार में केंद्र के नेता, मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमें फिर ये पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था वो पर्दा फाश होते हुए नजर आया, और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते आज की लूट मचाने में लगे हैं, हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब लद्दाख के दरवाजे पे दस्तक देने, जैसे ही यूटी घोषणा हुई तो ऐसे घरानों ने, ऐसे गुटों ने, लॉबीज ने यहाँ अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया, और हमारे जो नेता हमारी आवाज को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज्यादा उनके
असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख करने लगे। शेम शेम। और वो अब तक ये संदेश देने लगे कि ये संरक्षण यहाँ किसी को नहीं चाहिए, ये संरक्षण, ये सिख शेड्यूल, ये दो चार लोगों की कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ ऑपोजिशन की मांग है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये रखिएगा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लद्दाख पर सिख शेड्यूल आ जाए तो फिर ये उद्योग मनमानी नहीं कर पाएंगे, खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, तोड़ मरोड़ जो पर्वतों का हुआ है हर जगह, वो सब यहाँ नहीं हो पाएगा, लद्दाख बचा रहेगा, और वो ये नहीं चाहते थे, तो ये गलत संकेत देने लगे। शेम शेम। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये कुछ ही लोगों की मांग है, तब लद्दाख के लोगों ने आपको जवाब संदेश देने के लिए, अपने पैरों से वोट देने के लिए आज यहाँ पर हजारों दसियों हजारों में लोग जमा होकर इस ठंड में ये बताने के लिए आए हैं कि हम सब इस मांग के साथ हैं। आप इस बहकावे में ना आए जो कुछ मतलबी लोग वेस्टर्न इंटरेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इनकी आवाज सुनेंगे। सिख शेड्यूल, सिख शेड्यूल, सिख शेड्यूल। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो ये जो मसला है लद्दाख के संरक्षण का, अब ये सिर्फ संरक्षण की, पर्यावरण की भी बात नहीं रही, अब ये सच्चाई की लड़ाई भी बन गई है। भारत में हर चीज पर्याप्त है, बहुत है, किसी चीज की कमी नहीं है। कोयला है, तेल है, लोहा है, हर चीज है, मगर आज जो सबसे कम पड़ रहा है वो है भरोसा, ट्रस्ट। भरोसे की कमी, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट भारत बहुत बड़े स्तर पर दो चार है इससे, और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा आपके तरफ से कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो निभाएंगे नहीं वो वादा करेंगे नहीं, ऐसी हमारी उम्मीद है ऐसे सरकार से, ऐसे नेताओं से जो कि ईमान के नाम पर ही सत्ता में आए। आपको याद है कि 2011, 12, 13 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भारतीय जनता ने कितने जोर शोर से भारत में फिर से सच्चाई को वापस लाने की आवाज उठाई, और उसके ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, क्योंकि लोगों को ये भरोसा था कि अब साफ होगा हर चीज। मगर आज बदकिस्मती से देख कहना पड़ रहा है कि आज हर तरफ करप्शन फिर से सर उठा रहा है, देश में और यहाँ लद्दाख में भी। आपको मालूम हो या ना हो, पिछले 3-4 सालों में यूटी लद्दाख में करप्शन हद के स्तर पर होने लगा था। जम्मू कश्मीर में हम मानते थे कि वो सबसे करप्ट राज्य है, लद्दाख में बहुत बड़े स्तर पर होने लगा। कुछ कदम भी उठाए गए, कुछ अदल बदल भी हुए, मगर हमें नहीं लगता है कि सफाई अभी भी है। अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों का खनन करें कागजों को, तो बहुत बरमान मिलेंगे आपको करप्शन के। मैं खुद आपको कई ऐसे मिसालें और सबूतें दे सकता हूँ। तो ये हाल है लद्दाख का। शेम शेम। और ऐसा ही हाल देश में भी लग रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर हालात बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि देश को भरोसा हो कि हमारी सरकार, हमारे नेता भरोसे पर खरा उतरेंगे। तो हम लद्दाख से ये गुहार करते हैं कि सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन के मैनिफेस्टो हैं उन पर अमल करके आप देश को बताएं कि
इलेक्शन गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जो वचन दिए जाते हैं उन्हें पूरा किया जाता है और लद्दाख की जनता इसी उम्मीद पर आज यहाँ आई है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। हमें बताया गया कि 19 फरवरी को टॉक्स होंगे दिल्ली में। हमें बहुत उम्मीद है कि इस टॉक्स में आप ये साबित करेंगे कि आप वादे पर खड़े उतरेंगे और पक्के इरादे से हैं, जैसा हमें आश्वासन दिया गया है। और हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं कि जो भारत में संभव नहीं है। हम चांद हम सितारे नहीं मांग रहे हैं। हम तो भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद जिसका हमसे वादा किया था उसी का अमल मांग रहे हैं। और ये अमल कोई ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि ये बाहर के लोगों को रोकने का है, ये लद्दाख बाहर, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये संरक्षण लद्दाख में जो भी संवेदनशील जगह है या संस्कृतियां हैं या जनजातियां हैं उनको बचाने का काम करेगा। अब लद्दाख में जैसे पांगोंग झील है, सोमोरी झील है, बहुत ही संवेदनशील है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, वहां के लोगों की संस्कृति बहुत ही फ्रेजाइल है। उसे बचाना होगा सिर्फ दिल्ली और लखनऊ के लोगों से नहीं, लेह के लोगों से भी। और हम चाहते हैं कि ऐसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम को लद्दाख के लोगों से भी बचाएं, और ऐसा प्रावधान देता है सिक्स शेड्यूल। तो सिक्स शेड्यूल किसी बाहर अंदर की बात नहीं है। हमारे यहाँ एक वादी है आर्यन वैली, जहाँ पर आर्यन समुदाय के बोक्वा लोग रहते हैं, उन्हें बचाने की जरूरत है मुझसे भी। कोई वहां जाके ऐसे खिलवाड़ नहीं करे कि उनकी संस्कृति बिखर जाए। तो सिक्स शेड्यूल उन्हें हमसे भी बचाता है। और जरूरी नहीं है कि हर चीज में अंदर बाहर करें, हो सकता है ऐसे स्टेशन हो जहां पर हर कोई देश से बल्कि दुनिया से आके भी उद्योग लगाए ऐसे डिमार्केटेड एरियाज में, मगर जो संवेदनशील पहाड़ हैं उन्हें बचाया जाए। तो ये कोई इस जाति उस जाति बाहर के अंदर के इनकी बात नहीं है। ये एक इकोसिस्टम को, एक संवेदनशील संस्कृति को बचाने की बात है। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे आखिर में कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जो कि ध्यान में पहले से ही रखा गया था, इसीलिए ये वादे हुए थे लद्दाख के लोगों के साथ, आप जल्द ही जल्द न सिर्फ लद्दाख को बल्कि पूरे भारत को ये फिर एक भरोसा, एक आश्वासन, एक उम्मीद जगाएंगे कि देश में अभी भी वचन सच्चाई जिंदा है। और उस सच्चाई को बचाए रखने के लिए अगर हमारी जान जाए तो बहुत कम होगी। मुझे दुख ये है कि एक ही जान है, कितने बार दें। तो हम इसके लिए आज भारत में जैसे हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज भ्रष्टाचार से, आज झूठ से लड़ने की जरूरत है। और इसमें अगर हम भगत सिंह बनते हैं, सुखदेव बनते हैं, तो हमारी ये सबसे बड़ी खुश नसीबी होगी, खुशकिस्मती होगी। मैं आपका हाथ जोड़कर इस तमाम लद्दाख के लोगों के साथ मिलके फिर एक बार धन्यवाद और फिर एक बार भरोसा आपसे लेने की गुहार लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।